इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप 1 लाख पर मंथ बना सकते हो फ्रीलांसिंग बिजनेस के थ्रू। उसके पहले हम बात कर लेते हैं एमसीए के बारे में। एमसीए जिसका सेकेंड बैच शुरू होने वाला है, मार्केटिंग एंड क्लाइंट एक्विजिशन, जहां पर अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, कैसे आप सेल्स जनरेट करोगे, या फिर आप ये कंफ्यूज हो कि यार लीड्स तो मैं ले आऊंगा लेकिन उनको कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास रिजल्ट ही नहीं है कि मैं क्या रिजल्ट शो करूंगा क्लाइंट को कि वो कन्वर्ट हो। अगर ये सारी प्रॉब्लम के साथ आप जूझ रहे हो या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो बट अभी आप अटक चुके हो 30,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ के पास या फिर उससे कम में, और आप चाहते हो कि उससे आगे बढ़ पाओ या आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को शुरू कर पाओ, ये सब जो डाउट्स हैं इन डाउट्स को हटा करके, तो आप एमसीए को ज्वाइन कर सकते हो, मार्केटिंग एंड क्लाइंट एक्विजिशन। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू आप एमसीए की कॉल बुक कर सकते हो। आप एमसीए के बारे में जान सकते हो कि क्या क्या एमसीए में अंदर इंक्लूडेड है, और आप उसको ज्वाइन करके फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एमसीए जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये फ्री प्रोग्राम नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हो समवेयर अराउंड 30,000 या 50,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हो तो आप एमसीए की कॉल बुक करिए, आपको हेल्प होगी एंड उसके थ्रू आप जो भी आपका इनकम गोल है 1 लाख पर मंथ या फिर उससे ज्यादा का इनकम गोल वो आप कंप्लीट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो कि आप कैसे 1 लाख पर मंथ तक फ्रीलांसिंग में पहुंचोगे, मैं ये सारी चीजें आपको यहां पर बता रहा हूं एंड इसका एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एमसीए के अंदर किया जाएगा। और वो चीज ऐसी रहेगी कि वो लाइव लर्निंग रहेगी, लाइव लर्निंग के साथ आपको रिकॉर्डेड सेशन दिए जाएंगे, प्लस अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं है शो करने को तो आपको किस तरीके से क्लाइंट को क्लोज करना है, कैसे हम आपकी वहां पर हेल्प करेंगे, वो सब कुछ एमसीए के अंदर है। तो मेक श्योर दैट यू बुक द कॉल। बाकी आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं, जैसे स्किल के बारे में जानेंगे, लीड जनरेशन, पेड लीड जनरेशन, पोस्ट लीड, मेकिंग मनी, इन सब के बारे में विल बी नोइंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि हम स्किल के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ स्किल डाल रखी है जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ हाई पेइंग स्किल। अगर आप ये स्किल्स आपके पास है या आप इन स्किल को सीखते हो तो आप काफी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले आपकी फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स आपको हर जगह पर काम आएगी। अगर किसी का ई कॉम का बिजनेस है, अगर किसी का कोई लीड जनरेट करना चाहता है, कोई कोच है, ठीक है, कोई एफिलिएट मार्केटर है, कोई नेटवर्क मार्केटर है, एनीवन किसी को भी आप हेल्प कर सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू। तो इसकी जो मार्केट है वो काफी बड़ी है और आप इसे बड़ी आसानी से सीख सकते हो। एमसीए के अंदर भी हमारी जो कोर स्किल है वो फेसबुक एड्स ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप गूगल एड्स सीखते हो, गूगल एड्स अगर आपको आते हैं तो इसकी भी मार्केट बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्चुअल में अच्छे गूगल एड्स रन करने वाले लोग काफी कम है, और अगर आप उन अच्छे लोगों में से एक रहते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप हाई पेइंग क्लाइंट्स यहाँ से उठा सकते हो। देन वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, रील्स का एडिटर हो गया, यूट्यूब वीडियोस का एडिटर हो गया, ठीक है। अगर आप ये सब चीजें कर सकते हो तो आपको काफी ज्यादा अमाउंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। रील एडिटर एक नॉर्मल रील के लिए भी आप अराउंड 400-500 रील्स पर रील चार्ज कर सकते हो, यानी कि अगर आप 10 रील एडिट करते हो तो 5,000 रुपीज हो गया, ठीक है, 30 के हिसाब से और ज्यादा। अब ये जो नंबर या फिर जो मैं आपको एक रुपीज बता रहा हूँ उसको आप बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, ठीक है। आपका रील एडिटर हो गया या फिर आपका यूट्यूब का एडिटर हो गया, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। देन सेल्स फनल क्रिएशन, अगर आप सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हो, जैसे आजकल कोचेस बहुत सारे हैं, क्लाइंट्स बहुत सारे हो रखे, तो आप उनके लिए सेल्स फनल को जनरेट कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ई कॉमर्स के लिए, कोचेस के लिए आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। तो ये कुछ स्किल है जिनको आप अभी के टाइम पे 2024 में इस्तेमाल कर सकते हो टू जनरेट गुड मनी, ठीक है। तो ये स्किल्स को आपको इस्तेमाल करना है। इन स्किल के बारे में डिटेल में जानने के लिए यू कैन ज्वाइन एमसीए। नाउ मूविंग अहेड, विच इज लीड जनरेशन की, यहाँ पर अब अगर आपके पास स्किल आ चुकी है तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है लीड जनरेशन का, कि आपको लीड जनरेट करनी है। दो तरीके से लीड जनरेट हो सकती है, एक होती है ऑर्गेनिक लीड और एक होती है पेड लीड। ऑर्गेनिक लीड का मतलब ऐसी लीड जो आपके कंटेंट के थ्रू आ रही है आपके पास, और पेड लीड यानी कि आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, कुछ भी एड रन कर रहे हो एंड पेड मार्केटिंग कर रहे हो जिसके थ्रू आपके पास लीड आ रही है। लीड यानी कि नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जिनसे आप बात करोगे और आपको क्लाइंट, आप उन्हें क्लाइंट बनाओगे। देखो ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, और अगर अभी आपके पास फॉलोअर बेस नहीं है तो ऑर्गेनिक करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम पेड का यूज करना चाहेंगे। पेड से क्या है कि आपको जल्दी क्लाइंट्स मिलेंगे, जल्दी लीड्स मिलेगी और आप उनको क्लोज कर सकते हो। वहीं पे ऑर्गेनिक में आपको टाइम लगेगा एंड इसको बिल्ड करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, 5-6 महीने, 1 साल, इतना टाइम लगेगा। बट उतना टाइम अगर आपको नहीं देना है तो आप पेड मार्केटिंग की ओर जा सकते हो, या फिर आप इन दोनों को साथ में कर सकते हो। इन दोनों को साथ करना बहुत अच्छा होता है, अगर आप इन दोनों को साथ करते हो दैट इज वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड, विच इज पेड लीड जनरेशन। पेड लीड जनरेशन के अंदर आपको लैंडिंग पेज चाहिए, उस लैंडिंग पेज पे आप एड्स को रन करोगे। अभी मैं आपको हमारी एजेंसी का मैं शो कर रहा हूँ कैसे हम करते हैं, ताकि आप भी उस तरीके का कुछ रेप्लीकेट कर पाओ। इन डिटेल्स में पूरे देखो सब कुछ, पूरा लैंडिंग पेज एड्स को पूरा एकदम डिटेल में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और वीडियोज है मेरे चैनल पे आप उनको देख सकते हो। बाकी मैं शेयर करता हूं आपको किस तरीके से हम आगे लैंडिंग पेज या फिर एड्स का यूज करके पेड लीड जनरेशन करते हैं।
अभी जैसे ये हमारा लैंडिंग पेज है, ठीक है, ये मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो हो सकता है आपको यहाँ पर स्क्रीन पे साइड में ज़्यादा वो दिख रहा हो। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है, इस लैंडिंग पेज पर हमने हमारे एजेंसी के जो भी रिजल्ट्स है या जो भी चीज़ें हम करते हैं वो बता रखा है, ठीक है, ग्रो योर फैशन अपैरल ई-कॉमर्स ब्रांड विद आर डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी एंड गेट कंसिस्टेंट सेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, देन यहाँ पर वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरा एजेंसी के बारे में बताया हुआ है, आप अपनी कॉल्स बुक कर सकते हो, फिर यहाँ पर जो रिजल्ट वगैरह कुछ शो किए हैं हमने, ठीक है, प्लस कैसे हम काम करते हैं वो सब कुछ यहाँ पर शो की हुई है, देन देयर इज अ कॉल टू एक्शन ऑफ बुक अ स्ट्रेटजी कॉल। तो इस तरीके से आप अपना भी लैंडिंग पेज बना सकते हो, आप चाहो तो इस लैंडिंग पेज से इंस्पिरेशन लेकर के अपने लिए भी एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बुक अ कॉल। तो जैसे ही आप ये क्लिक करते हो आप एक अलग पेज पे जाते हो जहां पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, तो जो भी क्लाइंट है वो ये इन्फॉर्मेशन फिल करता है, अब ये फिल करने के बाद लीड मेरे पास आ जाती है। अब इससे क्या है, मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ मुझे किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं बात करनी है, कौन किसके साथ हम काम करने में कैपेबल है, कौन हमारे साथ काम करने के लिए कैपेबल है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से डिसाइड करते हैं, देन वी कॉल देम एंड हम क्लोज करते हैं। तो हमारा जो ये वाला प्रोसेस है दैट इज़ की जनरेटिंग लीड, वो लैंडिंग पेज के थ्रू हो जाता है कि भाई लैंडिंग पेज में इस तरीके से हमने डेवलप कर रखा है तो हमें यहाँ से लीड मिलती रहेगी। अब सेकेंड चीज़ इज एड, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने एड्स को रन करते हैं, एड्स के थ्रू हमको लीड्स मिलती है। अब जो लीड एड है, लीड एड रन किया जाता है, उसके लिए एक और वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। सो अब हमने लीड एड बना रखी है, उस लीड एड का यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर लैंड करते हैं हमारे लैंडिंग पेज पर, एंड फिल द फॉर्म और वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करते हैं, हमारी सर्विस को बाय करते हैं। एवरेज लीड कॉस्ट जो होती है वो वैरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, 40 रुपीज से मान के चलिए आप 70 रुपीज के बीच में आ सकती है। बहुत ज्यादा सस्ती लीड भी आपको नहीं आनी चाहिए कि आपको बहुत सस्ती लीड आ रही है, तो वो क्या होती है उनमें कन्वर्ट होने के चांसेस कम है, तो 40 से 70 रुपए के बीच की लीड रहती है। देखो ये जो होता है ना, लोग कहते हैं अच्छी लीड कॉस्ट क्या है, अच्छी लीड कॉस्ट क्या है, ये डिपेंड करता है आपका कन्वर्जन रेट क्या है। अगर आप इस कन्वर्ट ये आपका लीड कॉस्ट है और आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है, आपका कन्वर्जन वैल्यू अच्छा है, तो आप काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, प्लस इस बिजनेस में आप प्रॉफिटेबल होते ही हो। फॉर एग्जाम्पल आपने महीने का आप मंथली स्पेंड करते हो, लेट सपोज मैं बताता हूँ, आप मंथली जो है मंथली आपका जो स्पेंडिंग है, ठीक है, मंथली आपकी स्पेंडिंग हो रही है लेट सपोज 15,000 रुपीज, ठीक है, आप मंथली 15,000 रुपीज स्पेंड करते हो। अब इसमें क्या है, आपको लीड कॉस्ट अगर आ रही है, लेट सपोज लीड कॉस्ट में मान लेता हूँ 50 रुपीज आपको लीड कॉस्ट आती है, ठीक है, 50 रुपीज आपकी लीड कॉस्ट है, तो 15,000 रुपए अगर आप स्पेंड कर देते हो, 15,000 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो गया, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, 15,000 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, ये हो गई आपकी 300 लीड्स, ठीक है, 15,000 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज अराउंड 300 लीड्स, ठीक है, 300 लीड्स आपको मिली। अब इन 300 लीड्स में से, ठीक है, इन 300 लीड्स में से मान लेते हैं कि भाई आपसे जो बात करने वाली लीड थी वो करीबन 150 ही थी, ठीक है, केवल 150 ही लीड है जो धन की थी, बाकी सब बेकार होगी, बहुत बेकार रेशियो मैंने कर दिया, 150 ही थी। अब इन 150 में से अगर मैं मानता हूँ बहुत ही बुरा आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है, आप लेट सपोज 5% पे भी कन्वर्ट करते हो, आप 2% पे भी अगर कन्वर्ट करते हो, ठीक है, अगर आप 2% पे भी कन्वर्ट करोगे तो आप समवेयर जाकर के 3-4 क्लाइंट को क्लोज कर दोगे। अगर बेयर मिनिमम मैं मानता हूँ कि आपने 4 क्लाइंट को क्लोज किया, ठीक है, आपने 4 ही क्लाइंट क्लोज किए, 150 कॉल आपने की, आपने 4 क्लाइंट क्लोज किए एंड मान लेते 15K पे ही क्लोज किया, ठीक है, तो अगर एक क्लाइंट आपको 15K देता है तो आप एक क्लाइंट से ही ब्रेक इवन हो जाते हो, ठीक है, आप एक क्लाइंट से ही ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हो, एंड देन जैसे ही आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो उसके बाद जो आपके बाकी के 3 क्लाइंट है, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट देते हैं। एंड सेकेंड चीज ये क्या है, ये एक रिकरिंग रेवेन्यू का बिजनेस है, ठीक है, ठीक है, ये एक रिकरिंग रेवेन्यू का बिजनेस है, यानी कि ये 3 क्लाइंट, ये जो 4 क्लाइंट है आपके पास, अगर ये 4 क्लाइंट को आपने अच्छा रिजल्ट दिया तो ये नेक्स्ट महीने भी रुकेंगे, और नेक्स्ट महीने हो सकता है आप और 4 क्लाइंट ऐड कर दो तो ये जो आपका अमाउंट है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए जो बिजनेस है ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है। नाउ जैसे आपको लीड जनरेशन आती है, पोस्ट लीड आपको करना होता है डिस्कवरी कॉल, यानी कि जिस कॉल के अंदर आप सेल करते हो, ठीक है, अब क्या है, ये जो प्रोसेस है सेल्स कॉल का, ऑनबोर्डिंग कॉल का, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस थोड़ा सा आप कह सकते हो प्रीमियम है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसको समझाने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा है। एमसीए के अंदर अराउंड 1-1.5 घंटे का सेशन है पूरा, ठीक है, केवल सेल्स कॉल के ऊपर, स्क्रिप्टिंग के ऊपर, कैसे आप सेल्स कॉल करते हो, कैसे आप स्क्रिप्टिंग करते हो, इन सारी चीजों के ऊपर पूरा एक सेशन किया हुआ है, तो उसके अंदर हम बात करते हैं। बाकी क्या है, डिस्कवरी कॉल्स, ऑनबोर्डिंग कॉल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे भी वो वीडियो डालू तो कमेंट में डालो, तो मैं आपको यूट्यूब पे भी वो वीडियो डाल के दे दूंगा। देन द थिंग इज मेकिंग मनी, जो आप करने आए हो फ्रीलांसिंग के थ्रू, जो आपको पता है आपको केवल 5 क्लाइंट चाहिए 20,000
जो पर मंथ आपको पे करे और आप 1 लाख पर मंथ तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इट्स क्लियर मैथ। ये आपको लीड जनरेशन देखना होगा कि आपका लीड्स कितने में आ रहा है, क्या लीड कॉस्ट आ रहा है आपको। ठीक है, देन क्या कन्वर्जन रेट है आपका, कितने रेट पे आप कन्वर्ट करती हो, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी। जैसे ही आप ये सारी चीजों को कवर कर लेते हो, इट्स अ प्योर मैथ, आप आराम से इस बिजनेस को स्केल कर सकते हो 1 लाख पर मंथ या फिर उससे ज्यादा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, ठीक है, यानी कि एक ऐसा सपोर्ट जो आपको यहां तक लेकर जाए या फिर इसके ऊपर लेकर जाए, तो एमसीए इज ऑलवेज फॉर यू। ठीक है, फिलहाल के लिए जो लास्ट बैच हमने किया था एमसीए का, दैट वाज ओनली फॉर 10 पीपल। ठीक है, ओनली फॉर 10 पीपल था वो। ठीक है, 10 ही लोगों को उसमें एनरोल किया गया था। और ये वाला जो बैच आ रहा है, इट इज ओनली फॉर फर्स्ट 15 पीपल, या फर्स्ट के मतलब जो भी 15 पीपल लोग होंगे उनके लिए हम ये एक बैच 2 लॉन्च करने वाले हैं। प्लस एमसीए बैच 2 में बहुत सारे हमने चेंजेस किए हैं, जो कि पहले बैच से अलग होगा। पहले बैच से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, पहले बैच से ज्यादा हेल्प की जाएगी टू हेल्प यू ग्रो। बाकी अगर आपको और जानना है तो आप नीचे कॉम डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आपका फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।